नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आज आपको PPF अकाउंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब भी हम PPF अकाउंट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में EPF अकाउंट की इमेज घूमने लगती है। EPF अकाउंट जब हम कभी किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो वहां पर हमारी सैलरी में से कुछ पैसे काट कर EPF अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और हमारा जो बॉस होता है वो भी कुछ पैसे काट कर हमारे अकाउंट में डाल देता है, तो वो तो एक EPF अकाउंट होता है। लेकिन PPF अकाउंट EPF अकाउंट से अलग होता है। PPF अकाउंट के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जॉब करते हो या आप कहीं बिजनेस करते हो, PPF अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। इस समय PPF अकाउंट पर 7.6% एनुअल इंटरेस्ट दिया जा रहा है और PPF अकाउंट 15 साल के लिए ओपन होता है। यदि आप PPF अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप PPF अकाउंट पर अच्छा खासा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PPF अकाउंट कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकते हैं। दोस्तों, PPF अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। यदि आपकी एज 18 साल की है तो आप PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके माता पिता आपके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। जो लोग भारत के निवासी हैं वो इस PPF अकाउंट को खुलवा सकते हैं। जो व्यक्ति NIR हैं उन्हें PPF अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भारत के निवासी हैं लेकिन बाद में NIR हो गए हैं, लेकिन जिस समय वो भारत के निवासी थे उन्होंने PPF अकाउंट खुलवाया था, तो उनका PPF अकाउंट बंद नहीं होगा और उस पर उनको ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन वह भविष्य में यदि NIR ही रहते हैं तो उन्हें दूसरा PPF अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं है। PPF अकाउंट पर आपको ATC के तहत छूट भी प्राप्त होती है। इस अकाउंट के अंदर आप 500 रुपये से लेकर 150,000 रुपये एक साल के अंदर जमा कर सकते हैं और इन रुपयों पर आप ATC के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। PPF अकाउंट के अंदर आप मिनिमम 1 बार से लेकर 12 बार तक ट्रांजेक्शन पर ईयर कर सकते हैं, यानी कि एक साल के अंदर आपको 1 से 12 बार तक ट्रांजेक्शन करने की अनुमति है। आप इससे अधिक बार जमा नहीं कर सकते हैं। PPF अकाउंट पर आपको लोन की भी सुविधा है। यदि आपका PPF अकाउंट 3 साल से अधिक पुराना है तो आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। PPF अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप यह कोशिश करें कि आप अपना पैसा 15 साल के बाद ही निकलवाएं। यदि आप अपना पैसा 15 साल के बाद निकलवाते हैं तो आपको उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। 7.6% एनुअल इस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। यदि आप 15 साल के बाद अपना पैसा निकलवाते हैं तो करीब यह है आपका पैसा डबल ही हो जाता है। लेकिन यदि आप बीच में पैसा निकलवाते हैं तो आपको 1% चार्ज किया जाता है, यानी कि आपको सालाना 7.6% एनुअल ब्याज दिया जा रहा है तो आपको 6.6% एनुअल ब्याज के हिसाब से पैसा काट कर दिया जाता है। PPF अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं और किसी भी सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा मिलती है। यदि आपने इसे किसी पोस्ट ऑफिस में खुलवाया हुआ है लेकिन आपने निवास स्थान बदल लिया है और आप इसे किसी सरकारी बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको आवेदन करना होगा और वहाँ पर आपको अपने बैंक के सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। उसके बाद में आपको अपने PPF अकाउंट की डाकघर के द्वारा जो आपको पासबुक मिलती है वो भी वहाँ पर जमा करनी होती है। उसके कुछ दिनों बाद आपका PPF अकाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। PPF अकाउंट के अंदर आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये एक साल के अंदर जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपये से आपको अधिक इसमें जमा नहीं करने हैं। यदि आप 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा कर देते हैं तो आपको केवल 1.5 लाख रुपये पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। उससे अधिक अमाउंट पर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि PPF अकाउंट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि PPF अकाउंट क्या है। यदि आपके मन में PPF अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।